पंजाब में दहशतगर्दों से निमटने के हवाले से लाहौर में अहम इजलास आर्मी चीफ की सदारत में शुरू हो गया है। इजलास में पंजाब में रेंजर्स ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इजलास में कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स पंजाब भी शरीक हैं। इस बारे में जानते हैं टेलीफोन न्यूज़ के नुमाइंदे दुरे नायाब से। दुरे नायाब बताएगा, आर्मी चीफ की जेर सदारत इजलास शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, ये आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की ज़ेर सदारत अब ये एक तवील इजलास शुरू हो चुका है और इसमें पंजाब के तमाम सिक्योरिटी के जितने चैलेंजेस हैं दरपेश इस वक्त, उस पर बात की जाएगी। रेंजर्स ऑपरेशन के हवाले से हिकमत अमली और क्या प्लानिंग की जा रही है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा दहशतगर्द तंजीमें जो इस वक्त पंजाब में फाल हैं और कलदम तंजीमें जो हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, वो भी डीजी रेंजर्स की जानिब से बताया जाएगा आर्मी चीफ को। इसमें पीएसएल की सिक्योरिटी के हवाले से भी एजेंडा इसमें शामिल किया गया है इजलास में, और इसमें पंजाब के तमाम कोर कमांडर्स मौजूद हैं, डीजी रेंजर्स पंजाब मौजूद हैं, डीजीएमआई और डीजीएमओ भी इसमें मौजूद हैं और डीजीआईएसपीआर भी इसमें मौजूद हैं। और ये इजलास अहम नवीयत का है जो एपेक्स कमेटी के बाद पंजाब की उसके बाद तलब किया गया था और आला फौजी क्यादत का लाहौर में ये इजलास है। जी शुक्रिया दुरे नायाब।